हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीसी एडिटर। हम अपने इस चैनल पे महाराष्ट्र के अंदर जो भी जिला परिषद की फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी आई है या फिर महाराष्ट्र एनएचएम के अंदर फार्मासिस्ट और महाराष्ट्र आरोग्य विभाग के अंदर जितने भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उन सारी वैकेंसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चैनल पे कंप्लीट 100 यूट्यूब एमसीक्यू क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें आपके कंप्लीट सिलेबस के हर एक टॉपिक का एमसीक्यू विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट जो बनी है जिला परिषद की, वहां पे जाके ये सारे वीडियोज आप हर सब्जेक्ट के देख सकते हो। उसी कड़ी में जो हमारा आज का सब्जेक्ट था वो फार्मास्यूटिक्स। जी हाँ, फार्मास्यूटिक्स में इससे पहले हमने 8 पार्ट करा दिए थे, ये आपका 9वां पार्ट 9 होने वाला है। इस हर एक पार्ट में हम फार्मास्यूटिक्स से कंप्लीट सिलेबस के 20-20 क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनको आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बनते हैं। तो इससे पहले जितने भी पार्ट हुए हैं उनको आप प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। चलिए पार्ट 9 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं उसको देख लिया जाए। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। जी हाँ, चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या होने वाला है डियर। जी हाँ, पूछा गया है यहाँ पे व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट प्रिपेयर्ड। जी हाँ, इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट कब प्रिपेयर की गई है या कब प्रिपेयर हुई थी। ऑप्शन है 1940 में, 1936, 1950 अथवा 1946 में। द राइट आंसर विल बी 1946। जी हाँ, किसकी बात हो रही है, इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट की। इस टेबल को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, 1946 में आपका इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट प्रिपेयर हुई थी। 1920 में आपका ऑल इंडिया कंपाउंडर एंड डिस्पेंसर एसोसिएशन बना था। 1901 में मॉडर्न इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनी थी। 1907 में ओलंपिक केमिकल वर्क्स की स्थापना हुई थी। इसी तरीके से अलग अलग जो हमारे इवेंट्स हुए हैं उनके आप फार्मेसी काउंसिल इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ, 1949 में, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। 1940 में ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1949 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी की स्थापना हुई। सारे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इस टेबल से आप लोग जरूर कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सोडा एस इज आल्सो नोन एज। जी हाँ, यहाँ पे ग्लास मटेरियल से क्वेश्चन है। ग्लास जब आप बनाते हो ना, कूलेट लगता है, सोडा एस लगता है, लाइम स्टेन लगता है, सैंड लगता है, तो यहाँ पे सोडा एस को और हम क्या बोलते हैं। ग्लास का मटेरियल है सोडा एस, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, प्योर सिलिका बोलेंगे, लाइम स्टोन बोलेंगे अथवा कैल्सियम कार्बोनेट बोलेंगे। जी हाँ, सोडा एस की बात जहां पे आती है उसे हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। देख सकते हो इस टेबल में, जब हम अलग अलग कंटेनर की बात करते हैं ना, ग्लास ऐसे कंटेनर, प्लास्टिक ऐसे कंटेनर, रबर ऐसे क्लोजर, ठीक है, तो ग्लास हमारा किसका मिक्सचर होता है, सैंड का, सोडा एस का, लाइम स्टोन का और कूलेट का। सैंड को हम सिल्का बोलते हैं, सोडा एस को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, लाइम स्टोन को कैल्सियम कार्बोनेट और कूलेट आपका ब्रोकन ग्लास होता है। तो ये आपका ग्लास मटेरियल है। प्लास्टिक में अलग अलग हमारे पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरीन का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक स्वीटनर। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा आर्टिफिशियल कह लीजिए या फिर सिंथेटिक यहाँ पे स्वीटनर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, सॉर्बिटॉल या एस्पार्टम। देखिए, ग्लूकोज की बात कर ली जाए, सुक्रोज की बात कर ली जाए अथवा सॉर्बिटॉल की बात कर ली जाए, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट या नेचुरल स्वीटनर है। लेकिन यहाँ पे आप एस्पार्टेम की बात करोगे ना, ऑप्शन डी, एस्पार्टेम विल बी द आर्टिफिशियल स्वीटनर। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो नेचुरल में सुक्रोज, लैक्टिलॉल, आपका सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ग्लूकोज, ये सब हमारे नेचुरल है। एस्पार्टेम, न्यूटेम, सुक्रालोज, ये सब के सब हमारे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक स्वीटनर होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डिस इंटीग्रेशन टाइम फॉर सुगर कोटेड टैबलेट। हाँ जी, सुगर कोटेड टैबलेट की बात कही जाए उसके डिसइंटीग्रेशन टाइम की, 60 मिनट होगा, 50 मिनट, 70 मिनट अथवा 30 मिनट। तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है 60 मिनट। जी हाँ, सुगर कोटेड टैबलेट का डीटी डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है, 60 मिनट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग डिस्पर्सिबल इबरमेसिन टैबलेट, आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम आपका 3 मिनट, इससे भी क्वेश्चन पूछता है ना, 3 मिनट इसका हो गया। फिर 15 मिनट आपका अनकोटेड का होता है, यूएसपी के अकॉर्डिंग 30 मिनट होता है। फिल्म कोटेड आपका 30 मिनट में घुल जाता है, फिर आपका टूट जाता है। सुगर कोटेड 7 मिनट, इंट्री कोटेड 2 घंटे, है ना, हार्ड जिलेटिन 15, सॉफ्ट जिलेटिन 60 मिनट, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम से, तो इसको भी आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलिंग से पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। जी हाँ, हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है? इंपैक्ट होता है। जी हाँ, इंपैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल रिजिड फोर्स लग रहा है। जी हाँ, सिंगल रिजिड फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे इंपैक्ट आप देख के ही इसको कर सकते हो, सबको पता भी होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट। हैमर मिल का प्रिंसिपल इंपैक्ट है। यहाँ पे अलग अलग मिल है, अलग अलग उनका प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या प्रोडक्ट साइज रेंज है, किसके लिए यूज की जाती है, किसके लिए नहीं यूज की जाती है, ये टेबल को भी नोट डाउन कर लो, इससे भी बहुत ढेर सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एट्रिशन ऑफ द पार्टिकल रिजल्टिंग इन फाइंस कैन बी मोस्टली फाउंड इन। जी हाँ, यहाँ पे किस प्रकार के ड्रायर में पार्टिकल पार्टिकल के बीच में रगड़ खा जाता है, एट्रिशन हो जाता है, जिससे आपका पार्टिकल का साइज घट जाता है, साइज घट जाता है। तो भैया एक तरह से एक डिसएडवांटेज होता है किस ड्रायर का भैया, कि मटेरियल ऐसे कौन से ड्रायर में मटेरियल आपस में रगड़ खा के उनका साइज भी घट जाता है ना? तो वो ओनली मेनली आपका स्टैटिक बेड ड्रायर में होगा, या न्यूमेटिक बेड ड्रायर में होगा, फ्लूडाइज बेड ड्रायर में, या वैक्यूम ड्रायर में। तो भैया स्टैटिक बेड तो आपका नॉर्मल जो आपका होता है ओवन वाला, हॉट एयर वाला, उसमें तो नहीं होगा, न्यूमेटिक में भी नहीं होता, बेड ड्रायर में, वैक्यूम में भी नहीं होता। ये समस्या होती है एट्रिशन वाली फ्लूडाइज बेड ड्रायर। क्यों? क्योंकि भाई प्रेशराइज हाई प्रेशर से एयर जाता है, तो पार्टिकल जब उछलते हैं ना, सस्पेंड होते हैं, तो रगड़ खा के टूट जाते हैं। तो भैया हमें तो ड्राई करना था, लेकिन वो पार्टिकल और घट जाता है साइज, तो ये इसका एक तरह से डिसएडवांटेज रहता है एट्रिशन पार्टिकल का, फ्लूडाइज बेड ड्रायर में ये समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, फ्लूडाइज बेड ड्रायर है ना। अलग अलग ड्रायर की बात की जाए, उसका एग्जाम्पल ट्रे ड्रायर, इसका मूविंग बेड का ड्रम ड्रायर, फ्लूडाइज बेड ड्रायर के अंदर एट्रिशन हो जाता है, जिससे आपकी समस्या यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पूछा गया है, द टैबलेट हार्डनेस स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाई विच इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, टैबलेट का जो हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं ना, किस किस इक्विपमेंट को द्वारा टेस्ट करते हैं भैया? मोनसेंटो टेस्टर बिल्कुल हार्डनेस टेस्ट करता है, ये भी स्ट्रॉन्ग कॉप ये भी हार्डनेस टेस्टिंग करता है टैबलेट की, फाइजर टेस्टर ये भी करता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हम यहाँ पे राइट आंसर मान लेते हैं, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जी हाँ, देख सकते हो अलग अलग हार्डनेस टेस्टर की बात की जाए तो मोनसेंटो टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कॉप टेस्टर, फाइजर टेस्टर, रेका टेस्टर, स्लिंगर, विकर्स, वेबस्टर, सब के सब हमारे हार्डनेस को मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रोटोफिल मशीन इज यूज टू फिल पिलेट्स, कोरोजी लिक्विड, लिक्विड या पाउडर इन कैप्सूल। जी हाँ, कैप्सूल के अंदर है ना, रोटोफिल जो पार्ट होता है या रोटोफिल जो मशीन होता है ना, वो किस चीज को फिल करता है, फिल करता है कैप्सूल के अंदर, पिलेट्स को फिल करेगा, कोरोजी लिक्विड, लिक्विड या पाउडर को। तो भैया याद कर लो, रोटोफिल, रोटोसॉर्ट, इससे मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन आता भी है, ऑप्शन है पिलेट्स। रोटोफिल मेनली कैप्सूल के अंदर पिलेट्स को फिल करने का काम करता है। देख लो रोटोफिल क्या है, पिलेट्स को फिल करता है कैप्सूल के अंदर, रोटोसॉर्ट फिल कैप्सूल को सॉर्ट करने का काम करता है, रोटोवेव ऑटोमेटिक वेइंग मशीन है, वेरी के भैया कैप्सूल वेइंग मशीन है ये भी, क्वालिसिल यहाँ पे लिक्विड को फिल करने का बात करेगा तो क्वालिसिल आप लिखोगे। अगर डिटेस्टिंग और पॉलिसिंग की बात की जाए कैप्सूल सेल को, यूरेका की ये करता है, और यहाँ पे क्लीनिंग पॉलिसिंग करने का काम सिडनर PM60 का है। तो अलग अलग इक्विपमेंट से क्वेश्चन आते हैं, यहां से आप कर सकते हो। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है। जी हाँ, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। हाँ जी, थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन आपने पढ़ा है, कौन कौन सी थ्योरी आपने देखी थी, मोनोमॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन थ्योरी, बिल्कुल ये भी थी, मल्टी मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन थ्योरी, एब्जॉर्प्शन वो भी है, और सॉलिड पार्टिकल एब्जॉर्प्शन थ्योरी, यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन, ऑप्शन डी। देख सकते हो कौन कौन सी थ्योरीज है इमल्सिफिकेशन की भैया, मोनोमॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन, मल्टी मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन, सॉलिड पार्टिकल एब्जॉर्प्शन, ओरिएंटेड वेव थ्योरी, ओरिएंटेड एब्जॉर्प्शन थ्योरी, विस्कोसिटी थ्योरी, प्लास्टिक इंटरफेशियल फिल्म, सरफेस टेंशन थ्योरी, इंटरफेशियल टेंशन थ्योरी, फिशर थ्योरी, है ना, ये सारे के सारे थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रल सपोजिटरी आल्सो नोन एज, हाँ जी, यूरेथ्रल सपोजिटरी को और हम क्या बोलते हैं, पेसरीज, ये तो वेजाइनल सपोजिटरी हो गई, कौन, ये तो ईयर कोन के लिए होता है, नन ऑफ दी अबव होगा नहीं, तो यूरेथ्रल सपोजिटरी को हम क्या बोलेंगे, बुजीज बोलेंगे, बुजीज या बुजीज जो भी आप प्रोनाउंस करो,
है ना, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यूरेथ्रल सपोजिटरी को हम क्या बोलते हैं, बुजीज भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूरेथ्रल सपोजिटरी जिसे आप बुजीज बोलते हैं, पेंसिल शेप का होता है, पॉइंटेड होता है, यूरेथ्रा में इंसर्ट करने के लिए आपका बनाया जाता है। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है कैचेट्स आर मेड फ्रॉम, जी हाँ जो कैचेट्स होते हैं ना किसके बने होते हैं भैया, वीट पेपर के, राइस पेपर के, जिलेटिन के, अथवा किसी के भी नहीं। तो भैया कैचेट जो होता है ना जिसमें आपका पाउडर वगैरह फिल होता है, वो आपका राइस पेपर का बना होता है। जी हाँ, किसका बना होता है, राइस पेपर का। आप देख सकते हो कैचेट एक सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है मेडिकामेंट का, जिसमें ड्रग इनक्लोज होता है टेस्टलेस सीट में। अब वो जो सीट होती है ना, पेपर होता है ना, वो कैसे, राइस फ्लोर को हम पोर करते हैं वाटर में, जिससे आपका वो आपका बनता है हॉट पॉलिश रिवॉल्विंग सिलेंडर पे, जिससे आपका वो पेपर बनता है। क्लियर? तो ये आपका कैचेट राइस फ्लोर से हमारा बनता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वियाल्स एंड बॉटल्स आर रेगुलरली नॉट सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टेस्ट। जी हाँ, जो वायल्स होता है, वायल्स कुछ ऐसा होता है, ऐसे रहता है, रबर क्लोजर रहता है अल्मोनियम का, और जो बॉटल्स होता है, जो बॉटल होता है पेरेंटल वायल्स और जो बॉटल, वो किस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते, या उनमें कौन सा टेस्ट नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो भैया देखो, वायल्स हो बॉटल हो, स्टरिलिटी टेस्टिंग तो पेरेंटल की जरूरी होते ही होती है, ये भी करता है, नॉट पूछा है ना, ये भी होता है, क्लैरिटी टेस्ट भी होती है, बिल्कुल होती है वाटर बॉटल में और आपका वायल्स में, पाइरोजन टेस्टिंग भी होती है, लेकिन लीकर टेस्ट मेनली आपका किसकी बात हो रही है, एम्प्यूल्स की बात हो रही है। जी हाँ, एम्प्यूल्स में मेनली लीकर टेस्ट, क्योंकि जो सील्ड एम्प्यूल है ना उसी को तो चेक करते हैं कि लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो लीकर टेस्ट मेनली आपका एम्प्यूल की टेस्टिंग होती है, किसकी होती है, एम्प्यूल की। तो यहाँ पे लीकर टेस्ट वायल्स और बॉटल के लिए नहीं होती। ठीक है, ये पूछा गया था, देख सकते हो ना, ये आपका सील्ड एम्प्यूल को चेक करने के लिए लीकर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सॉइड वैक्सीन। जी हाँ, अलग हमने बताया था, एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन या वीकेंड वैक्सीन था, एक हमारा टॉक्सॉइड वैक्सीन था, एक हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट था। तो यहाँ पे टॉक्सॉइड वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है, टेटनस टॉक्सॉइड, मेनिंजोकोकल टॉक्सॉइड, इन्फ्लुएंजा, रोटोवायरस। तो भैया टॉक्सॉइड नाम से ही समझ सकते हो, टेटनस की जो वैक्सीन है ना, एक तरह से टॉक्सॉइड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, टॉक्सॉइड वैक्सीन का। देख सकते हो टॉक्सॉइड वैक्सीन का आपका टेटनस एग्जाम्पल हुआ है ना, जिसमें आपका टॉक्साइड क्या होता है, एक इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, जिसकी टॉक्सिसिटी सप्रेस होती है, की जाती है या तो केमिकल या फिर हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। तो वो जो हमारा टॉक्सिन होता है ना, वो बैक्टीरिया के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जहां पे टॉक्साइड हमारा अल्टर्ड फॉर्म होते हैं टॉक्सिन के, और वो हमारा उससे वैक्सीन बनती है। क्लियर है? कुछ ये हमारा स्टेप होता है टॉक्साइड को बनाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक डिसरप्शन टेक्निक इज एसोसिएटेड विद ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, ऑस्मोटिक डिसरप्शन, ऑस्मोटिक डिसरप्शन आपका ब्लड ब्रेन बैरियर से रिलेटेड होता है, तो यह आपका ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आएगा। जी हाँ, किसकी बात हो रही है, आपके डिसरप्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा यहाँ पे सभी ड्रग के नहीं होता, कुछ एक ड्रग ही होती है जो हमारी क्रॉस कर पाती है। तो जो ऑस्मोटिक डिसरप्शन टेक्निक है, एमआरआई गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड डिसरप्शन टेक्निक है, ब्रैडीकाइनिन एनालॉग का जो हमारा एप्लीकेशन होता है, ये सब के सब आपके ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर, ब्रेन टारगेटिंग डीडीएस के अंतर्गत। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा गया है, फिजिकल इंटेग्रीमेंट ऑफ म्यूसिन स्ट्रैंड एंड फ्लेक्सिबल पॉलीमर चेन इज इन अकॉर्डेंस विद। जी हाँ, जो आपका फिजिकल इंटेग्रीमेंट होता है म्यूसिन स्ट्रैंड का और जो फ्लेक्सिबल पॉलीमर का चेन का, वो किसके साथ होता है, किसके अंतर्गत, वेटिंग थ्योरी के अंतर्गत बताई गई, डिफ्यूजन थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, या एडसॉर्प्शन थ्योरी। तो भैया राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है डिफ्यूजन थ्योरी। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग थ्योरीज दी हुई है, म्यूगो एडिशन की, म्यूगो एडिशन से क्वेश्चन है, तो आपका जो डिफ्यूजन थ्योरी है वो इसको बताता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन नेटवर्क के और बायोडिसी मटेरियल के बीच में। तो म्यूकोएडेशन की अलग अलग यहाँ पे थ्योरीज से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप कर सकते हो इस टेबल से। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है, पूछा गया है, माइक्रो
कैलोरीमेट्री टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन व्हाट इन लिपोसो। जी हाँ, माइक्रो कैलोरीमेट्री टेक्निक की बात हो रही है जो कि फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिटरमाइन करता है लिपोसोम के अंदर, या इन्वर्जन टेम्परेचर को डिटरमाइन करेगा, ड्राइंग टेम्परेचर को डिटरमाइन करेगा, या इंट्रैपमेंट की इफिशियंसी को डिटरमाइन करेगा। जी हाँ, किसकी बात हो रही है? माइक्रो कैलोरीमेट्री टेक्निक हमारा यूज किया जाता है लिपोसोम के अंदर फेज ट्रांजिशन के टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए। जी हाँ, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, फेज ट्रांजिशन के टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए लिपोसोम के अंदर हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा गया है द पर्पज ऑफ ICH इज टू मेक रिकमेंडेशन ऑन वेज टू अचीव ग्रेटर। देखो ICH का फुल फॉर्म क्या होता, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। तो भैया किसके लिए ये हमारा रिकमेंडेशन देती है ग्रेटर बनाने के लिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेफ्टी, या हार्मोनाइजेशन बोले तो समानता, हर एक चीज में इक्वालिटी रहे, हर एक बैच में हार्मोनाइजेशन रहे, है ना? तो यहाँ पे किसके क्या पर्पज होता है ICH का, भैया हार्मोनाइजेशन, समानता हो, हर एक बैच हर एक प्रोडक्ट आपका इक्वली, उसकी थेरेपेटिक वैल्यू, उसकी एफिकेसी, उसकी सेफ्टी इक्वल, हार्मोनाइजेशन के रिगार्डिंग ICH बात करता है, हार्मोनाइजेशन के रिगार्डिंग। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सपोजिटरी। जी हाँ, यहाँ पे तीन एडवांटेज दिए हैं, एक डिसएडवांटेज दिया है, उसी डिसएडवांटेज को आपको बताना है, यानी कि कौन सा एडवांटेज यहाँ पे नहीं है। चलो भैया, सपोजिटरी फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है, बिल्कुल सही बात है, यूजफुल होती है बावल के इवैक्यूलेशन में, जो डालते हो ना रेक्टम में, तो ये भी आपका एडवांटेज है कि बावल को के इवैक्यूलेशन में यूजफुल होती है, कब्ज वगैरह में, मेल्ट हो जाती है बॉडी टेम्परेचर पे, ये भी एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि सपोजिटरी में जो इरिटेंट ड्रग है वो एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, एक तरह से ये डिसएडवांटेज है। तो नॉट एडवांटेज पूछा था, तो भैया यही डी वाला तो ही चूज करोगे, ये एडवांटेज नहीं है, ये क्या है, डिसएडवांटेज है। जी हाँ, इरिटेंट ड्रग एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, एक तरह से डिसएडवांटेज, जबकि भैया इवैक्यूलेशन ऑफ बाउल के लिए बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है, फर्स्ट पास को अवॉइड कर देता है, रैपिड और डायरेक्ट इफेक्ट देता है रेक्टम में, अलग अलग यहाँ पे लोकल इफेक्ट दिया, अनकॉन्सियस को दे सकते हैं, तो ये सब हमारे एडवांटेजेस होते हैं किसके, सपोजिटरी के। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पूछा गया, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिनिमेंट एक्सेप्टेबल। जी हाँ, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट तो लिनिमेंट के रिगार्डिंग सही है, एक एक्सेप्शन यानी एक स्टेटमेंट गलत होगा, उसी गलत वाले को आपको चूज करना है। चलिए, लिनिमेंट एक अल्कोहलिक या ओलिजीनियस सॉल्यूशन होता है क्या? बिल्कुल सर होता है। अप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, भैया लिनिमेंट को तो फ्रिक्शन के साथ ही अप्लाई किया जाता है ना, विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करोगे वो तो लोशन हो गया, तो ये आपका एक्सेप्शन यही होता है, बाकी हायर विस्कोसिटी होता है लोशन से, सभी को पता है, अनब्रोकन स्किन के लिए सूटेबल होता है। तो यहाँ पे नॉट यानी एक्सेप्शन पूछा था, तो एक्सेप्शन में आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, ये तो लोशन के लिए है, लिनिमेंट के लिए नहीं है, लिनिमेंट तो फ्रिक्शन या रबिंग के साथ अप्लाई करते हैं, इधर लिनिमेंट इधर लोशन, इससे आप समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है आज का लास्ट क्वेश्चन, इन विच कंटेनर डस्टिंग पाउडर आर डिस्पेंस्ड। हाँ जी, डस्टिंग पाउडर किस कंटेनर में डिस्पेंस किया जाता है, प्लास्टिक कंटेनर में, सिफ्टेड टॉप कंटेनर, स्टेनलेस स्टील अथवा ग्लास कंटेनर। तो भैया मेनली आपका जो डस्टिंग पाउडर की बात की जाए ना, सिफ्टर टॉप कंटेनर उसके लिए सुटेबल होता है, मेन और बेस्ट क्या होता है, सिफ्टर टॉप कंटेनर, यहाँ पे देख सकते हो टॉप वाला शिफ्ट करके वहां पे एरोसॉल टाइप जो होता है ना उसी में आपका डिस्पेंस किया जाता है। क्लियर है? सो ये थे आपके पार्ट नंबर 9 फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के टोटल 20 MCQ क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, जिससे कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसके एक्सप्लेनेशन भी जरूर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन से भी 3-4 क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, और इससे पहले के जितने भी पार्ट है प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे विजिट कर सकते हो, जिला परिषद की, NHM महाराष्ट्र, आरोग्य विभाग महाराष्ट्र, जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए हमारा बहुत ही ज्यादा सीरीज हेल्पफुल होने वाली है। अदर सब्जेक्ट को भी देखते रहिए डियर, और अब मिलते हैं फार्मास्यूटिक्स के पार्ट 10 में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।